और रोड भी काफ़ी ख़राब है ना, तो इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। वीडियो बना दो काम सर, जो है बाइक लेके नहीं जाने लायक है ना भाई? नहीं जाने लायक है भाई। हाँ पूरा वो तो मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा राज जो झुकेगा नहीं साला। इसलिए मैं निकल जा रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे भाई लोग जो है मतलब सब जाते हैं ये लोग। अच्छा आपके गाँव आई बनकटा गाँव में? अच्छा स्वागत है फिर से आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। और अभी इस समय हम लोग आए हैं पथरा बाजार साइड में, और ये हमारे पीछे आप लोग देखिए ये पूरा जो है पथरा बाजार का ताल है। तो आज का ब्लॉग जो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, और आज हम लोग चलेंगे दो तीन गाँव में। ऐसा जो है बघनी हमारे इधर है साइड में, तो यहाँ पर भी चलेंगे। बाकी इधर बनकटा यहीं पे पास में है, तो यहाँ पे भी कितना पानी है आप लोग को दिखाएंगे। पहले तो हम लोग आए थे तो पूरे गांव में जो है ऐसा बहुत सारा पानी भरा था, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे क्या उतना ही है या फिर कम हुआ है। तो इसी का जो है अपडेट हम लोग लेके आए हैं। बाकी पथरा ताल में ऐसा जो बनकटा साइड ये पथरा ताल से होते हुए जो रोड जाता है, क्या इस पर हम जो है गाड़ी लेके जा सकते हैं, अभी जाने लायक है कि नहीं, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे क्या हम लोग जा सकते हैं। तो इसी का जो है अपडेट हम लोग लेके आए हैं। तो बाकी ये पूरा पथरा का ताल है, ताल तो देखोगे आप लोग जो है पूरा पानी भरा हुआ है। बाकी ऐसा रोड पे अभी कम हुआ है या फिर उतना ही हम लोग जा सकते हैं। ऐसा जो बंधा है राप्ती नदी का, उस पर हम लोग ऐसे अगर जाना होगा पथरा बाजार से तो जा सकते हैं कि नहीं, तो चलिए दिखाते हैं हम लोग और लाइव आप लोग को दिखाएंगे ऐसा रोड पे भी कितना पानी वगैरह है। तो अपनी भी बाइक है वहाँ पे, प्रदीप भाई हैं और वो कृष्णा भाई हैं, दोनों लोग हैं वहाँ पे। चलिए आगे का कैसा है आप लोग को दिखाते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं बनकटा साइड, और ये राप्ती नदी का बांध है उस साइड हम लोग चल रहे हैं। तो ये रोड पे आप लोग देखिए अभी भी जो है यहाँ पे पानी हमें देखने को मिल रहा है ऐसा करके। आगे जो है काफ़ी बड़ा खड्डा है, तो उधर हम लोग चल रहे हैं, देखेंगे बाइक उधर अभी जो है निकालने लायक है या फिर हमें ऐसा टेढ़िया साइड से होते हुए जो बांधे पे जाना पड़ेगा तो उधर से जाएंगे, या फिर यही रास्ते से हम लोग जा सकते हैं। तो अभी आप लोग को देखने को मिल जाएगा आगे। बाकी ये देखिए भाई लोग हैं कुछ जो है ऐसा करके आ रहे हैं। बाकी अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे का आप लोग को दिखाने वाले हैं। ये है इधर तो नॉर्मल है, जा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है पानी ऐसा करके। हमारे कुछ तो ये अपने भाई हैं। भाई आप कहाँ से हो? मैं अमौना तिवारी से हूँ, पथरा गया था भाई क्या बोलते हैं ये अपना पेट्रोल लेने के लिए। अच्छा तो ये शॉर्टकट रास्ता पड़ता है। हाँ हाँ। तो कुछ लोग आज मूर्ति लेने के लिए जाएंगे। अच्छा तो मुझे भाई सोचना दिए गए कि अगर आप निकल जा रहे हो साहबू भाई काम करो मूर्ति लेना है। हाँ। अगर आप निकल जा रहे हो तो आप सोचना दीजिए, तो गाड़ी हम लोग ऐसे ही लेके जाएंगे। अच्छा तो हमने भाई सोचना दे दिया कि भाई डिक्की से 4 इंची बचता है, बाकी पानी बहुत ज्यादा है। तो भाई अभी जो भाई ने बताया इनका वीडियो हमने बनाया था आगे, तो वही भाई हैं। और इस रोड पे अभी अगर आप लोग जा रहे हो पथरा और बनकटा साइड, तो ऐसा जो है बाइक लेके नहीं जाने लायक है ना भाई? नहीं जाने लायक है भाई। हाँ पूरा तो मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा राज जो झुकेगा नहीं साला। इसलिए मैं निकल जा रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे भाई लोग जो है मतलब मुझे 50 लोग बोले मूर्ति जाने वाले हैं लेने के लिए। मेरा नाम शहाबुद्दीन है। अच्छा तो इसलिए बोले सोचना मुझे दे दीजिए जैसा भी है जाने लायक कि नहीं है। हाँ। तो मैं बोला ठीक है भाई, अगर मैं निकल गया तो मेरे भाई दोस्तों निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से मूर्ति आपको लेना? इधर ही मूर्ति भाई, इधर पथरा से लेंगे। ठीक अच्छा, है अच्छा। कुछ लोग पथरा से लेंगे, कुछ मिठवल से लेंगे। अच्छा तो उनको मैं सोचना दे दिया हूँ कि भाई इतना पानी मतलब डिक्की से 4 इंची बचा है, नहीं डूब जाती पूरी गाड़ी। सही बात है, आप वीडियो बनाए पहले भी देखे मेरे को आते हुए। ठीक है भाई तो मैं निकलता हूँ, अगर आपको बनाना तो देख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है चलो भाई। हाँ ये देखिए, और रोड भी काफी खराब है ना, तो इसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। वीडियो बना दो काम। ये देखिए तो चलिए अभी हम लोग और अंदर चलते हैं, अंदर चल के आप लोग को दिखाते हैं। ये सब देखोगे आप लोग तो गांड से ऊपर पानी है ऐसा रोड पे। और आगे चल रहे हैं अभी हम लोग, थोड़ा और दिखाते हैं आप लोग को। ये अंकल जी हैं अपने। अंकल जी आप कहाँ पे रहते हो?
हम पथरा बाजार के। पथरा बाजार के कितने दिन से ऐसे पानी है? जो है ज्यादा दिन, मैं एक हफ्ता से देख रहा हूँ इसको। एक हफ्ते से, एक हफ्ता से हम इसे पानी देख रहे हैं, जैसे पानी है वैसे ही है। अच्छा, ना कम हो रहा है। हाँ, ये कहाँ से आया? राप्ती नदी का है ना ये पानी? राप्ती नदी, राप्ती नदी पथरा ताल। अच्छा, ताल के बीच में आपको। हाँ हाँ, वही वही। तो ये देखिए अंकल जी के, देखिए गांठ से ऊपर पानी है ऐसा देख सकते हो आप लोग, और साइकिल का जो है आधा पार्ट जो है डूबा हुआ है। चलिए अंकल जी, और आगे चल के आप लोग को हम लोग जो है दिखलाने वाले हैं, देख सकते हो ऐसा। ये देखिए पूरा जो है डूबा हुआ है, ऐसा ताल है तो बहुत ज़्यादा पूरा पानी भरा हुआ है चारों तरफ से। ऐसा आप लोग देखोगे तो पूरा पानी इसमें भरा हुआ है, अभी भी जो आप लोग देख ही सकते हो ऐसा। बाकी इधर भी देखिए ऐसा, ये धान नहीं है, कोई दूसरा जो है ये फसल है ऐसा देखिए। हाँ ये सब जाते हैं ये लोग। तो हम लोग जो है फाइनली इस पार आ गए हैं, और ऐसा जो है पैदल आ जा सकते हैं हम, पैदल आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बाइक भी ला सकते हैं, लेकिन यही कंडीशन है कि जो है बीच में बंद ना हो, और बंद होगा तो ऐसा प्रॉब्लम होगा, बाइक स्टार्ट नहीं होगा, इंजन में जो है पानी वगैरह जा सकता है। तो यही जो है कंडीशन है, बाकी आप लोग ला सकते हो। अभी आप लोगों ने देखा, एक भाई ने डायरेक्टली सीधा उधर लेके जाके रोका। तो सबका जो है अलग अलग एक्सपीरियंस होता है कैसे जो है ड्राइव कर रहा है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे कितना पानी है हम लोगों ने देख ही लिया। अभी हम लोग जो है इधर से नहीं चलेंगे, जो हम लोग उधर से होते हुए जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा डेंजरस है, ऐसा गिट्टी वगैरह है काफ़ी बड़ा बड़ा, तो जो है बाइक गिर सकती है, तो इसकी वजह से हम लोग सेफ रास्ता चुनेंगे। तो भाई अभी हम लोग चल रहे हैं, और अपनी भी बाइक हम लोग ले गए थे थोड़ा अंदर, वो भी बंद पड़ गई थी, तो हमने जो है बाइक का प्लग वगैरह निकाला और उसको साफ़ किया, फिर से लगाया, तब जाके स्टार्ट हुई है। और फाइनली हम लोग चल रहे हैं, इस रास्ते से नहीं जाएंगे, उधर से हम लोग चलेंगे। तो अभी हम लोग जो है फाइनली आ गए हैं ऐसा जो है टेढ़िया से होते हुए, और ये बरगदी गांव से होते हुए जो ऐसा हम लोग आ गए हैं, बघनी नानकार है। तो इस गांव में हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ से आप लोग को दिखलाने वाले हैं। बाकी राप्ती नदी का पानी आप लोग देखोगे तो एकदम कम हो गया है, और धान वगैरह दिख रहे हैं, और फसल जो है सारा नष्ट हो गया है ऐसा करके। अभी हम लोग जो है थोड़ा नीचे भी चलेंगे, नीचे से भी आप लोग को दिखलाने का कोशिश करेंगे। जो है फसल तो एकदम बेकार हो गया ऐसा जो है हमें सामने देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी आप लोग को भी हम लोग जो है नीचे चल के दिखलाने वाले हैं। इस साइड का जो है पूरा फसल ऐसा नष्ट हो गया, बाकी इधर का आप लोग देखोगे तो इधर का हो जाएगा ऐसा करके, ये देखिए। अभी हम लोग जो है थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे से आप लोग को दिखलाने का कोशिश कर रहे हैं। ये है देखिए पूरा पूरा जो है एकदम बेकार हो गया ऐसा देखिए, एक भी बाली जो है ऐसा सही से नहीं दिख रहा है। और कि इधर देखोगे आप लोग तो जो है चारों तरफ ऐसा फसल था, लेकिन अभी आप लोग देखोगे तो सब ऐसे जो है एकदम बर्बाद हो गया ऐसा करके दिखाते हैं। पास में चल के ऐसा देखिए, इधर से ऐसा जा सकते हैं हम लोग थोड़ा अंदर करके, ये देखिए ये है पूरा धान और पूरा बर्बाद है ऐसा करके। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए ऐसा, और इधर का भी देखिए, ये भी बहुत अच्छा धान था, लेकिन इसको भी देख सकते हो आप लोग पूरा एकदम बेकार है ऐसा करके। ये देखिए चारों तरफ जो है धान हमें दिख रहे थे, लेकिन सब बेकार हो गए हैं ऐसा। यहाँ पे देखिए ये देखिए, और काफ़ी दूर तक हम लोग देखेंगे ना तो काफ़ी दूर तक जो है धान था, और सब जो है ये राप्ती नदी की चपेट में आ गया, तो सारा जो है बेकार हो गया ऐसा देखिए। काफ़ी दूर में आप लोग देखोगे तो ऐसा सेम नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी दुखद है ऐसा। अभी हम लोग जो है इस गांव में चल रहे हैं, बघनी नानकार करके इस गांव में हम लोग चल रहे हैं, और हम लोग पहले आए थे जो है पूरा गांव में पानी भरा हुआ था, तो देखेंगे क्या अभी भी भरा हुआ या फिर नदी कितना कम हुआ है। तो वहाँ पे एक ऐसा जो है राप्ती नदी में ऐसा जो है पुल भी बन रहा था, और कितना उसका जो है बना हुआ है तो इसको भी आप लोग को दिखलाएंगे। तो इस बार ऐसा जो है काफ़ी दुखद है, इस बार अपने सिद्धार्थ नगर में सारे किसानों का जो है फसल वगैरह नष्ट हो गया है, काफ़ी दुख भरी बात है अपने सिद्धार्थ नगर के लिए। सारे किसान आप लोग देख सकते हो, इनका जो है ये मूलभूत होता है, इसी पर जो है किसान लोग डिपेंड होते हैं, और इनका जो है धान या फिर गेहूं का जो फसल होता है यही जो है नष्ट होगा।
तो ऐसा जो है इन पे क्या बीतता होगा आप लोग सोच सकते हो। और अभी हम लोग जो है आप लोग को थोड़ा ऐसा जूम करके दिखाते हैं, काफ़ी दूर में आप लोग देखोगे तो लगभग 10 से 20 किलोमीटर में पूरा तो जो है ऐसा धान पूरा बर्बाद है। तो आप लोग को दिखाते हैं हम लोग जो है फ़ोन से शूट करके थोड़ा ऐसा जूम वगैरह करके, ताकि आप लोग को और थोड़ा अच्छा से आइडिया लगे कि कितना जो है फसल वगैरह नष्ट। चुके हैं बघनी नानकार ग्राम में और यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं। और ये राप्ती नदी में जो यहाँ पे पुल बन रहा था ऐसा देखिए हमारे पीछे ही है, और लगभग जो है 3 पावे बन चुके हैं और एक उधर जो है फाइनल जहाँ से स्टार्ट होता है, तो लगभग जो है 4 ऐसे जो है पोल बन चुके हैं और ये 5वां यहाँ पे बनने वाला था, तो ये है अभी आधा बना था लेकिन 4 जो है ऐसा रेडी हो गया ऐसा देखिए। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं और यहाँ से आप लोग को दिखलाने वाले हैं प्रॉपर करके। और ये देखिए हम लोग जो है पहले आए थे तो यहाँ पे ऐसा जो है पूरा पानी भरा था, हम लोग यहाँ पे भी नहीं आ सकते थे, लेकिन अभी जो है सारा ऐसा नॉर्मल हुआ है और सारा जो है पानी नदी वापस ले लिया जो इसने ऐसा जो है पूरा गाँव में बिखेरा था, अभी जो है सारा नॉर्मल हो रहा है। तो दिखाते हैं आप लोग को, आगे चलेंगे। उधर एक क्रैन था तो वो भी इसमें जो है नदी में चला गया था, लेकिन अभी वो भी वहाँ सुरक्षित है। दिखाते हैं आगे चल के। और ये देखिए ये है पूरा ग्राम ऐसा देखिए, और यहाँ पे जो है पानी सारा भरा हुआ था। ये देखिए ऐसा जो है इधर से हम लोग आएंगे तो इधर से हम लोग आएंगे, तो आगे चल रहे हैं अभी हम लोग। और ये देखिए ये ऐसा जो ये कुटी टाइप है ये भी पूरा डूबा हुआ था, लेकिन अभी नॉर्मल हो रहा। और ये नदी है देखिए ऐसा, और इधर से अभी हम लोग आगे चल रहे हैं थोड़ा और आगे चल के आप लोग को दिखलाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये है देखिए ये यहाँ पे काफ़ी सारे लोहे हैं, ये इसमें नदी में लगाने के लिए जो है यहाँ पे रखा गया था, लेकिन ये अभी इसमें अभी रेत है, रेत में ऐसा डूबा हुआ है। और आगे से आप लोग को दिखला रहे हैं हम लोग चल के। ये देखिए यहाँ पर भी ऐसा पूरा रेत है, इस पर चलने से ऐसा जो है पैर वगैरह इसमें धस नहीं रहा। बाकी ये है सारा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है ऐसा, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे खतरा यहाँ पे लिखा हुआ है। और इधर हम लोग नहीं जाने वाले हैं। ये है ऐसा कुछ, यहाँ से आप लोग देख सकते हो आगे जो है डेंजरस लिखा हुआ है और खतरा है, इसलिए हम लोग उधर नहीं जाएंगे। बाकी ये अपने सामने देखोगे आप लोग तो क्रैन है, और ये भी ये जो है इसी से बनाया जा रहा था ऐसा देखिए। भाई ये था आज का अपडेट, प्रॉपर हम लोग यहाँ पे आए और आप लोग को दिखलाने का कोशिश किए जितना हो सके। और अभी जो है नदी काफ़ी हद तक जो है डाउन जा चुका है, आप लोग देख सकते हो ऐसा जो है हमारे पीछे देखिए ये मिट्टी का टीला है, रेत है, तो ये भी हमें जो है देखने को मिल रहा है। और नदी का जो है पानी वगैरह डाउन जा चुका है आप लोग देख सकते हो। और अभी हम लोग चल रहे हैं उधर बनकटा साइड, उधर भी कितना पानी वगैरह है तो इसको भी हम लोग जो है इसी ब्लॉग में आप लोग को दिखलाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, उधर जो है बंधा है, बंधे से होते हुए हम लोग जाएंगे आगे। भाई अभी हम लोग और आगे चल रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था और सारे बच्चे यहाँ पे जो है ऐसा पानी में डूब डूब के ऐसा यहाँ पे खेल रहे थे, तो अभी जो है सारा क्लियर है। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये है देखिए सारा पानी यहाँ से क्लियर हो गया, ऐसा नॉर्मल हो गया ऐसा। ये है थोड़ा इधर दिखा दो भाई, इधर जो है क्लियर हो गया ऐसा देखिए। अभी हम लोग और आगे चल रहे हैं, तो भाई अभी हम लोग और आगे चल रहे हैं सीधा बनकटा साइड। ये है जो है बंधा, बंधे से हम लोग सीधा जा रहे हैं आगे करके। और ये देखोगे आप लोग तो खेत ना सारा
आप लोग को दिख रहा होगा व्हाइट व्हाइट सारा धान का फसल था, लेकिन सब ऐसा जो है नष्ट हो गया है। और वहाँ कोई दूसरा धान रहा होगा, वो थोड़ा उसका जो है वो थोड़ा बड़ा साइज में ऐसा जो है पड़ा था, तो उसकी वजह से जो वो दिख रहा है ऐसा ग्रीन, वो उसमें हो जाएगा कुछ। बाकी ये जो नॉर्मल वाले धान होते हैं उनको आप लोग देखोगे तो सारा जो है बेकार हुआ है। पगनी नानकार ग्राम से लेके यहाँ तक आप लोग देखोगे तो सेम ऐसा जो हमें देखने को मिलेगा। तो फाइनली हम लोग जो है पहुँचने वाले हैं ऐसा जो है बनकटा गांव के पास, और ये है अपने सामने देखिए, ये बनकटा गांव है। और थोड़ा हम लोग चल रहे हैं ऐसा करके, तो यहाँ सोचते हम लोग आप लोग को दिखा के चले। ये इधर का दिखाओ भाई, इधर का देखिए पूरा होके जो है डूबा हुआ है फसल जो है, और सब जो है बेकार हो गया ऐसा देख सकते हो आप लोग। यहाँ से राप्ती नदी लगभग हमारे सामने ही है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो ऐसा देखिए पूरा जो है फसल बेकार है। अभी हम लोग जो है फाइनली आ चुके हैं, हमारे पीछे देखिए ये बनकटा जो है ग्राम है यानी गांव है, तो हमारे पीछे ये आप लोग देख सकते हो। और पिछली बार जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ तक भी नहीं आ सकते थे, इतना सारा जो है इस रोड पे पानी भरा हुआ था। आप लोगों ने देखा था कैसे जो है लोग आ रहे थे तो इनके यहाँ तक कमर से ऊपर जो है पानी यहाँ में देखने को मिला था, लेकिन अभी इस बार आप लोग देखोगे तो जो है कम हो गया है। और लोग बता रहे ये रोड पर जो पानी दिख रहा है ना, आज शाम तक जो है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा यानी क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा जो है सारा नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे करके। और यहाँ पे देखिए अभी भी जो है थोड़ा ऐसा पानी है रोड पे, और इधर भी है, तो इधर ऐसा जो है थोड़ा 2-4 दिन रहेगा, बाकी ये जो है रोड क्लियर होने वाला है। और इधर देखिए सामने ये अपना बनकटा ग्राम ऐसा देखिए आप लोग, और इधर जो है फसल आप लोग देखोगे तो जो है सब ऐसा नष्ट हो गए ऐसा देखिए। यहाँ से लेके अपने सामने इधर राप्ती नदी है, राप्ती नदी तक हम लोग देखेंगे तो जो है पूरा फसल ऐसा नष्ट हो गया ऐसा देख सकते हो। तो इधर से अभी हम लोग थोड़ा और आगे चल रहे हैं, रोड पे थोड़ा बहुत पानी है ऐसा करके दिखाते हैं आप लोग को। ये है देखिए ऐसा जो है रोड पे कितना पानी है दिखा देते हैं आप लोग को। थोड़ा अंदर चल रहे हैं हम लोग, ये देखिए और यहाँ थोड़ा ज़्यादा पानी है, आज शाम तक जो है ये क्लियर हो जाएगा ऐसा देखिए। बाकी और जो है सारा पूरा क्लियर हो गया ऐसा देख सकते हो आप लोग। ये हैं एक भाई करके जा रहे हैं ऐसा बाइक से, तो यहाँ पे हमें जो है थोड़ा देखने को मिलेगा इधर। दादी अभिन गाँव में पनिया भरल बा? अच्छा नलिया नलियम बा। अच्छा गाँव में ना अभिन बा, अभी है इतना रोड पर बा। हां और हरियल इधर जो बड़की नलिया बा गाँव में है। हां नलिया अभी भरल बा हो। अच्छा अच्छा आपके गाँव आई बनकटा गाँव में बा। अच्छा कहाँ रहल आप? अरे अमन के यहाँ रही दादी, पथरा साइड। तो ये था आज का ब्लॉग, और कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोगों ने 2-3 गांव में ऐसे गए, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऐसा पथरा बाजार ताल से, ऐसे हम लोग होते हुए इधर जो है बगनी नानकार ग्राम में यहाँ पे हम लोग गए, और नदी पे भी गए, वहाँ पे भी आप लोग को दिखलाया ऐसा हम लोग जो है प्रॉपर करके। और पानी वगैरह तो एकदम पूरा कमी हो गया आप लोगों ने देखा ऐसा करके। और इधर जो है बंधे से होते हुए हम लोग जो इधर बनकटा गांव है इसके पास भी गए, वहां पे जहां पहले ऐसा जो है पूरा यहां गले तक पानी था, तो अभी जो है पूरा नॉर्मल हो गया। आप लोग रोड पे, आप लोगों ने जो है ऐसा रोड पे देखा कितना कम हो गया है, तो लगभग कल तक वो भी पानी जो है ऐसा एंड हो जाएगा। ये था 2-3 गाँव का जो है अपडेट, हम लोगों ने ऐसा प्रॉपर आप लोग को दिखलाया। और अभी जो है राप्ती नदी में पूरा पानी वगैरह कम हो गया है, तो गुड न्यूज़ है। बाकी चलिए इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड कर लेते हैं, कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं इस तरह जो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।